स्टार्ट हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग परिवार में आपका स्वागत है और मेरा भी स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग के अंदर पहली क्लास हो रही है और राजू सर सिद्धार्थ सर की टीम का बहुत बहुत आभार जो मुझे टाइम दिया इस चैनल के ऊपर क्लास लेने के लिए और जैसा कि कहा है तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं हौसलों ने मंजिल की आँखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरे इतनी औकात नहीं तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं पिछले छह माह के अंदर जो कुछ हुआ है उसको समेटने की कोशिश करने वाला हूं और विश्वास रखना जो सवाल एग्जाम में आएगा वो इस क्लास से आने वाला है महादेव के सौगंध मुकाबला टक्कर का होने वाला है चलिएगा बिल्कुल मेरे साथ में मुस्कान आकांक्षा सोनम लक्ष्य बिल्कुल प्रियंका वर्षा महिंद्र आशुतोष राधा सभी का स्वागत है और तुम तो मेरे मांझी और तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी है ना पूरी क्लास को ध्यान से सुनना है मैं जब तक पूरी क्लास खत्म नहीं होगी आपके सामने इसी एनर्जी के साथ में खड़ा रहूंगा बस आपके अंदर वो हौसला जुनून होना चाहिए और नर्सिंग की जो मेरी पूरा परिवार है, हो सकता है के, के, राजस्थान पूरे भारत के बच्चे इस चैनल के ऊपर होंगे उपस्थित है अपनी कॉपी में नोट करना है और ध्यान रखना दोस्तों अपना टाइम आएगा और छोड़ो ना यार अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं इस बार घसीट कर लाएंगे ना। है ना चलिए शुरुआत हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की मौका अपना भी आएगा हम क्या चीज है यह तुझे वक्त बताएगा क्या तू कर ले अपने मन की मौका अपना भी आएगा हम क्या चीज है यह तुझे

बार नॉर्थ सेट के अंदर जो है वो जी ट्वेंटी वाला सवाल पूछा गया था हो सकता है इस बार आपसे ब्रिक्स वाला सवाल यहां पर पूछ ले ठीक है ब्रिक्स में अभी हाल ही में कितने पांच देश शामिल हुए हैं देखो ब्रिक्स जो होता है वो बी आर आई सी एस होता है ना ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका पांच देश होते हैं अभी हाल ही में पांच देश और शामिल इसमें हुए हैं जिसमें दोस्तों एक तो ईरान हो गया आपके एक यूए हो गया एक इसके अलावा इथोपिया हो गया है उथोपिया हो गया एक आपके मिश्र देश हो चुका है इसके अंदर मिश्र देश

ये कहां पर आपके ये इथोपिया के अंदर है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ये भी आपको नोट करना है मैंने सारा कंटेंट आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया है पर यहां पर अधिकांश बच्चे हिंदी वाले भी होंगे इसलिए आपको का? देख लेना है देखो तो सवाल तो वही पूछेगा ना भाई ब्रिक्स में कौन शामिल नहीं हुआ है तो अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है, वही सवाल है उसको हिंदी में पढ़ लो इंग्लिश में पढ़ लो एक ही बात है मेरे पास पांच पेज पढ़ाने के लिए ठीक है अगर हिंदी इंग्लिश करेंगे तो पूरे पेज हो ही नहीं पाएंगे इसलिए ध्यान से सारी बात को सुनना पेपर में सवाल आएगा अपने आप छाप के आ जाना बाहर नहीं जाएगा सवाल गारंटी है है मेरी ठीक है? ध्यान से सारी सुनना है ना? हमारा आंसर, पेपर में छपेगा आपके सवाल जो है सवाल बोल रहा है कि जो वाल्मीकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी हाल ही में इनोग्रेशन हुआ है और वो रिसेंटली तो ध्यान रखिएगा दोस्तों

वो रानी रामपाल के नाम पे किसके रानी रामपाल के नाम पर उसका नाम चेंज हो चुका है ठीक है इसके अलावा जो यू है जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं दोस्तों आपके वहां पर एक शहर का नाम सिटी का नाम है अल मिनहा शहर ना उसका नया नाम हो चुका है हिंद शहर मैं चाहता हूं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर सो आप सोचिए यूएई का एक शहर है सिटी है उसका नाम क्या है उसका नाम है आपके अल मिनहा सिटी नाम है और दोस्तों अलमिनार सिटी जो है ना उसका नाम चेंज हो क्या हो चुका है हिंद शहर हो चुका है हिंद सिटी उसका नाम हुआ है तो कमाल की बात दोस्तों ना आंध्र प्रदेश की जो जो कैपिटल है 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 आपके 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 वो वो पहले अमरावती थी आपके, अब अमरावती थी अब चेंज हो 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 चुकी है, जो है, वो हो चुकी चुकी ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके अलावा जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम चेंज हो चुका है और उसका नाम जो है अटल सुरंग हो चुका है अटल टनल जो है जो रोहतांग टनल थी उसका नाम क्या हो चुका है उसका नाम जो है अटल टनल हो चुका है ये भी आपको ध्यान रखना

लखनऊ के अंदर है आज जहां पर जो आपका आईपीएल मैच हो रहा है ना वो मैच कौन सा है वो मैच यहीं पर हो रहा है ठीक है जहां आपका आईपीएल मैच आज हो रहा है ना वो मैच आपका यहीं पर हो रहा है स्टेडियम के अंदर है। अटल बिहारी वाजपेयी मोपा एयरपोर्ट का नाम क्या है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट ठीक है हबीबगंज एयरपोर्ट का नाम क्या है स्टेशन का नाम आपके रानी कमलापति स्टेशन है ठीक है जो पुरानी जो पार्लियामेंट हाउस है उसका नाम क्या हो चुका है संविधान सदन हो चुका है ठीक है रायबरेली जो आपके स्टेडियम

करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने अहमदनगर आपसे है अरे जो हमारे जो क्या बोलते हैं जो हमारे नर्सिंग वाले बच्चे होंगे वो पहली बार नाम सुन रहे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता एक दो बार क्लास ले लेना अपने आप जो है क्या होगा अपने आपको याद होने वाले ठीक है जिनको पढ़ना ना है, वो आराम से पढ़े जिनको नहीं पढ़ना वो भी आराम से पढ़े कोई और तरीका नहीं है ठीक है, है? है, है उत्तर प्रदेश के अंदर है इसका नया नाम क्या हो चुका है अयोध्या इसका नया नाम हो चुका है ठीक है रैपिड एक्स पूछे आपसे रैपिड एक्स का नया नाम क्या है नमो भारत जो है नमो भारत छाप

तो आपको मेरी बड़ी याद आएगी ध्यान ना माना कि तीन चार सवाल आएंगे आपके एग्जाम में नोट सेट के अंदर जो है पर मेरी बड़ी याद आने वाली गुरुजी ने सही कहा था हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम सेम ही होते हैं ना नोट कर लेना पूछूं आपसे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम क्या हो चुका है बताओ फटाक से इसका नया नाम क्या हुआ है बड़े छापों भाई साहब

ये इसका नया नाम है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए हैरिस पार्क दोस्तों पूछू आपसे देखो हैरिस पार्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है कहां पर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है इसका नया नाम क्या हो चुका है लिटिल इंडिया इसका नया नाम है ठीक है तो हैरिस पार्क का नया नाम क्या है लिटिल इंडिया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह है ठीक है उस्मानाबाद पूछूँ आपसे इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है छापना बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस्मानाबाद कहां पर है महाराष्ट्र के अंदर छापना महाराष्ट्र के अंदर है अगर पूछूँ आपसे उस्मानाबाद जो है इसका नया

ध्यान रखना है ठीक है ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है एक सवाल निश्चित आने वाला में से, ये तीन चार पेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अनुसार कोविड नाइनटीन और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने के लिए क्षमता दोस्तों किसके अंदर होती मशरूम जो होता है उसके अंदर कोविड 19 और जो इन्फ्लुएंजा जो है

ले जो पोरोमीटर आपके इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम एक्सपोसेट बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सपोसेट कहते हैं ये अट्ठावन से आपका लॉन्च हुआ ठीक है आगे देखिए हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ पूछू आपसे इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर है सवाल कह रहा है कि इंडियन नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है इसका मुख्यालय कहां पर है गुजरात के अंदर सो गुजरात में कहां पर जो आनंद स्थान है वहां पर है यह भी आपको छापना है ठीक है तो इंडियन नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहां पर स्थापित हुआ है गुजरात के अंदर स्थापित हुआ है आनंद के अंदर स्थापित हुआ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ठीक है हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया अभी आएंगे

तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स जो है वो कहा स्टार्ट हुए ये आपके जो जो स्थान स्थान है जो दीव स्थान है यहां पर जो है वो स्टार्ट हुए ठीक तो है तो और पूछता देखो एक सवाल तो आपका नेम चेंज जो हुआ है, उसका पूछता है एक सवाल दोस्तों जो इंटरनेशनल वो पूछता है एक सवाल आपका स्पोर्ट्स वाला जो है ये पूछता है ठीक है ये तीन सवाल फिक्स है आपके एग्जाम के अंदर ना तो स्पोर्ट में पूछ सकता है पहली बार हुआ इसलिए महत्वपूर्ण है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स इसका नाम है और पूछूं आपसे दीव के अंदर आयोजित हुआ है होस्ट हुआ है और एमपी जो है इसमें फर्स्ट रैंक पर है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है हाल ही में आई पूछूं आपसे आईपीएस पी शुक्ला पूछे आपसे पहली बार सो महिला डीजीपी कहां के अपॉइंट हुई आपके तो आईपीएस पी शुक्ला पहली बार कहां की वुमेन महिला डीजीपी बनी है छापना महाराष्ट्र की बनी है ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक है तो महाराष्ट्र की पहली महिला महिला डीजीपी पूछे कौन आपके रश्मि शुक्ला है हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद में तीन मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया ठीक है हाँ धीरे धीरे नहीं चल पाएंगे रसगुल्ला टाइम बहुत कम है ना मेरी और भी बहुत सारी क्लास है टाइम कम है कंटेंट ज्यादा है तो सारे सवाल पढ़ा दू मैं आपको अगले दो घंटे के अंदर वो मेरा उद्देश्य है इसलिए आपको अगर धीरे धीरे पढ़ना हो तो कोई बात नहीं जब

पूछे आपसे महासचिव पद पर कौन अपॉइंट हुए के पोस्ट पर कौन आए? भी में? पांडे तो इंडियन से इसलिए लिखवा रहा हूं आपको। पांडे पांडे दोस्तों पिछली बार जो है किसका आया था वो आया था किसका आपके सुनो फेस्टिवल ठीक है तो ये चार सवाल पूछे गए थे पिछली बार एक तो फेस्टिवल पूछा गया एक आपका स्पोर्ट्स पूछा गया था एक आपका जो नाम चेंज हुआ है वो पूछा गया था और अलावा दोस्तों एक आपका जो है कौन सा एक सवाल जो है आपके कौन सा आया था एक सवाल जी तो ट्वेंटी की बात करें अभी हाल ही में तो गोवा वाले बीच पर हुआ है, सी आंसर है गोवा करेक्ट आंसर ठीक है इसके अलावा वर्ष चौबीस का पहला साइक्लोन अलवारो जो है वो कहां पर आया आपके मेडागास्कर में माया ट्वेंटी

मांगे मातृभूमि भूमि से वर तेरा वैभव अमर रहे मा हम दिन चार रहे ना रहे, वो कौन थे आपके वो थे जा, आपके जान Uh, कौन आपके uh, बिपिन रावत साहब ना आगे देखिए दोस्तों आपके इंडिया का पहला हेल्दी और क्लीन क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम आपसे प्रसाद शुरू हुआ है अभी दोस्तों उज्जैन के अंदर शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर छापना uh, इंडिया का फर्स्ट हेल्दी और क्लीन फूड स्ट्रीट जो है प्रसादम वो अभी हाल ही में शुरू हुआ है ठीक है चौबीस में यूनेस्को का जो आपके सेशन होने वाला है वो कहां पर होने वाला है स्टार लगाना दोस्तों कहां पर होगा इंडिया के अंदर होगा ऑप्शन नंबर एक ठीक है कभी सवाल पूछे

कर्नाटक के अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो कभी सवाल पूछू आपसे भारत की कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है आपके आपके हेरिटेजी पश्चिम बंगाल है और आपके जो बयालीसवा है वो टेम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाल ही में वर्ल्ड हिंदी डे कहां पर, पर बनाया गया है वर्ल्ड हिंदी डे जो है छापना दस जनवरी को बनाया ऑप्शन नंबर डी आंसर ठीक है विश्व हिंदी दिवस कब बनता है दस जनवरी को बनता है ठीक है आगे देखिए

ठीक है देखो तो करंट अफेयर्स में कुछ सोचने वाली बात नहीं होती है ना क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा ठीक है सवाल ऐसे पूछेगा आपसे आपको आपको आंसर छापना है 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 ठीक सो अब नर्सिंग थोड़ी है भाई साहब दोस्तों मैं इंसान खोल के दिखाऊं देखो ये किडनी है ये लीवर है ये आपके स्टोमक है दोस्तों इस ये आपके आंत इंस्टेंटाइन है इसमें ये जूस भरा हुआ है इसमें ये पेन किलर है ये आपके वो है ये इंसुलिन है ग्लोबिन है ऐसे थोड़ी बताऊंगा आपको है ना क्या फायदा है इसका ना सवाल सीधा पूछेगा आपसे कि दोस्तों हनुमानगढ़ी लड्डू को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है कहां दोस्तों अयोध्या का है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया यहां है यहाँ का लड्डू करेक्ट आंसर है इसके अंदर अर्जुन अवार्ड पाने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन है और दीक्षा डागर छापना आपके दिव्य कीर्ति सिंह आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यह फर्स्ट आपके इंडियन फीमेल एथलीट हैं जो कि हॉर्स राइडिंग में क्या मिला इनको अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी आंसर है यहीं पर लिख लो आपके यहीं पर लिख लीजिए जो मोहम्मद दोस्तों आपके क्रिकेटर के रूप में, में आपसे बॉलर है, है, सवाल है छापना, समी बाकी दिव्यकृति सिंह फर्स्ट इंडियन फीमेल राइडिंग के अंदर अर्जुन अवार्ड पाने वाली कुल छब्बीस

सूरत होगी क्लीन सिटी तो लेकिन अगर पूछे स्टेट कौन सा है महाराष्ट्र आपका स्टेट नोट करना है, है, है? मतलब तो, जो है समुद्र के ऊपर पुल बनाया अभी हाल ही में उसका नाम है अटल सेतु तो, स्टाल लगाना दोस्तों अभी हाल ही में कहा शुरू हुआ है देखो मुंबई और किसको मुंबई और जो नबी मुंबई है इसको दोस्तों कनेक्ट करने के लिए भी हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया है एक 21.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है किसको स्टार्ट करने के लिए तो आपके कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है अटल सेतु हो चुका है और कहां पर स्टार्ट स्टार्ट हुआ हुआ महाराष्ट्र में है और लंबाई कितनी इसकी 21.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मुंबई को किससे आपकी मुंबई को नवी मुंबई जो है उससे कनेक्ट करने वाला है तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका ठीक आंसर ठीक है आगे बढ़िएगा हाल ही में पूछू आपसे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां पर हुआ है अरे काइट फेस्टिवल

किया है जो हमारा तुर्की है वहां पर हमने जो है वो दोस्त स्टार्ट किया नोट करना दोस्तुर्कीान में काबिर स्टार्ट किया है इसके कि आपके का कौन सा है वो है असम भैव अवार्ड में किसको मिला है इंडिया के एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रंजन गोगोई साहब को मिला ऑप्शन नंबर दोस्तों एक है जो आपके राम मंदिर वाला

स्थापित हुई उसका नाम क्या है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस उसका नाम है छापना महत्वपूर्ण सवाल है ना स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो किसके लिए स्टार्ट हुई है वो वी आर अंबेडकर जी के लिए स्टार्ट हुई है छापना स्थापित हुई है और कहां पर हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर जो विजयवाड़ा स्थान है वहां पर हुई है ये आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है छाप लो ना तो पूछू आपसे स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ एक सोशल जस्टिस कहां पर स्टार्ट हुई है अभी हाल ही में ये अभी हाल ही में अम्बेडकर साहब जी के लिए हुई है और अगला क्वेश्चन आपके आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है विजयवाड़ा के अंदर आपका दोस्तों एग्जाम बताओ मुझे अरे आपका जो नॉर्थ वाले हैं उनका एग्जाम कब बताओ उनका एग्जाम की तारीख कौन सी है कमेंट बॉक्स में छापना आप लोग नोर वालों की एग्जाम की डेट कौन सी है ना फिर बताऊंगा क्यों आपके लिए एग्जाम में ये सवाल महत्वपूर्ण बनने वाला है ठीक है आगे बढ़िएगा हाल ही में पूछो आपसे संसद सदस्य आपके इसको बोलते हैं एम पीलेट्स क्या बोलते हैं एम पीलेट्स बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट आपकी स्कीम कहते हैं ठीक है थीके? तो एमपी लेट्स जो स्कीम है उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए अभी हाल ही में ई साक्षी एप लॉन्च हुआ है ठीक है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है ई साक्षी एप है ना तो फोर्टीन अप्रैल को आपका एग्जाम दोस्तों होने वाला है 14 हो होने वाला है ठीक तो और अप्रैल को होगा और जयंती अंबेडकर साहब जी की जयंती है तो आपके एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है नोट करना इस सवाल को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आप दोस्तों ये सोचते ना कि सवाल, इतने सारे सवाल गुरु जी उसमें से कौन सा सवाल आपसे करंटअर्स वाला पूरा

पांच टाइप के होते हैं आप जानते हो उसमें जो हेपेटाइटिस जो है उसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में वैक्सीन लॉन्च हुई भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ये दोस्तों नाम नोट करना आप इस बार एग्जाम के लिए अगर दोस्तों आपके सिलेबस में सर्वावैक्स हो या फिर सर्वाइकल कैंसर आता हो ना तो निश्चित मान के चलना पेपर में आपको पक्का मिलने वाला है सर्वाइकल कैंसर के बारे में और उसका आपके पूछू आपसे उसका सो तो वायरस कौन सा है उसका वायरस छापना आपके एचपीवी वायरस होता है उसका जिसको हम ह्यूमन पैपिलोम

सवाल तो आप मान के चलना एग्जाम में आपसे पूछने वाला है राम टेंपल पूछू आपसे पहली बात उसको कहां पर बनाया आपके अयोध्या में बनाया ठीक है जो भी दोस्तों नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते हैं ना आपके छापना वो मंदिर जो हैं वो सारे एक ही शैली में बने होते हैं वो शैली कौन सी है वो शैली आपके नागर शैली है कौन सी नागर शैली होती है ये सारे नॉर्थ इंडिया के मंदिर इसी आपके शैली स्टाइल के अंदर बने होते हैं ठीक है टीके? अगर पूछूँ आपसे इस मंदिर के वास्तु का लिखना इस मंदिर के आर्किटेक्चर कौन है वो आपको छापना है बताओ मुझे इस मंदिर के आर्किटेक्चर कौन है वो आपको बताना है ठीक है और जो अंदर जो आपकी जो राम मूर्ति बनी है उसके वास्तुकार कौन है कौन है ये छापना है ठीक है तो लिखना अगर अगर आपसे पूछू आपसे जो मंदिर है इसके आर्किटेक्चर कौन है बताओ मुझे चंद्रकांत सोमपुरा वेरी गुड छापना चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो इसके आर्किटेक्चर है आपको नाम नोट करना है ठीक है मंदिर के कौन है मंदिर के छापना स... चंद्रकांत सोमपुरा है और जो मूर्ति जो स्थापित हुई है आपके भगवान श्री राम की उस मूर्ति के पूछू आपसे कौन है आपके छापना लिखना अरुण योगी राज कौन है अरुण योगी राज जो है वो इस मूर्ति के हैं ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है बाकी दोस्तों अगर सवाल पूछ लूँ आपसे इस

आपसे पीवी नरसिंह नरसिंह पीवी नरसिम्हाव जी को अवार्ड मिला है चौधरी चरण सिंह जी को मिला है अड़वाणी जी को मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है और इसके अलावा आपके जो एम एस स्वामीनाथन थे जो ग्रीन रिवोल्यूशन वाले थे इनको भी अवार्ड मिला तो पांच को भी हाल ही में ये हाइएस्ट अवार्ड मिला एग्जाम में आपके कोई भी नाम पूछ सकता है कि भाई किसको मिला है किसको नहीं मिला है कोई भी अवार्ड आपसे पूछ सकता है ठीक है आगे बढ़िए पीएम मोदी ने एक करोड़ परिवारों को छत पर सोलर एनर्जी सिस्टम उपलब्ध करवाने के लिए, कौन सी योजना अभी हाल ही में स्टार्ट की आपके प्रधानमंत्री सूरज योजना स्टार्ट एक शास्त्री जी को मिला इस, फारूक इंजीनियर जी को मिला ऑप्शन नंबर डी आंसर ठीक है तो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है शास्त्री फारूक इंजीनियर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने

बने वनडे बने विराट कोहली ठीक है और ट्वेंटी कौन बने आपके जो हमारे सूर्य भाई है हमारे जो सूर्य जो है आपके वो बने टी ट्वेंटी तो विराट कोहली है टी ट्वेंटी सूर्य कुमार यादव आपके हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर है और कभी पूछू आपसे टेस्ट में कौन बने ठीक जो है, जो उस्मान है वो बने, तो उस्मान ख्वाजा टेस्ट में बने पर हमारे लिए काम की बात दो ही है एक तो सूर्य कुमार यादव छापना टी ट्वेंटी के अंदर बेस्ट प्लेयर बनाए गए और वनडे में कौन है

एक मैंने कहा जो त्रुटि में ऑप्शन नंबर एक अभी हाल ही में अब, बना है ठीक है इसके अलावा देखना थाई पुषम फेस्टिवल पूछो कहां पर हुआ है तो थाई पुषम फेस्टिवल अभी हाल ही में कहां पर हुआ है ये दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु के अंदर जो है थाई पुषम फेस्टिवल आयोजित हुआ है ठीक है तो थाई पुषम कहां पर तमिलनाडु के अंदर हुआ है ऑप्शन नंबर भी छापना ठीक है इसके अलावा पूछू आपसे जो बोनालू फेस्टिवल कहां पर हुआ आपकी ये छापना ये तेलंगाना के अंदर हुआ है बोनालू ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके अलावा पूछे आपसे बथुकम्बा फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है कहा भी आपकी यहीं पर हुआ तेलंगाना के अंदर बसु बसुकंबा फेस्टिवल इसको फूलों का फेस्टिवल बोलते हैं फ्लावर फेस्टिवल कहते हैं ठीक है है और इसके अलावा आपसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर हुआ कहा नागालैंड के अंदर हुआ है कहा नागालैंड के अंदर हुआ है महत्वपूर्ण सवाल है पेपर में आ सकता है पूछ सकता है आपसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा हुआ है इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल को ठीक है पूछे आपसे फिल्म फेयर अवार्ड चौबीस में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला आपके वो मिला ट्वेल्थ सो याद है क्या आपको अगर हर किसी की जिंदगी में श्रद्धा हो तो एग्ज़ाम पास हो सकता है ठीक है पर श्रद्धा का होना जरूरी कोई यह कह दे कि तू अगर सिलेक्शन होगा तो मैं तुझे जो चाहिए वो देने वाली हूं तो भाई साहब एग्जाम तो पास हो सकता है ना पर श्रद्धा का होना जरूरी जिंदगी में श्रद्धा पढ़ाई के अंदर चाहिए ठीक है ट्वेल्थ फेल ऑप्शन नंबर सी है अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे गुरु इंग्लिश में लिखो ट्वेल्थ फेल को हिंदी में मत लिखो है ना पेपर में सवाल ट्वेल्थ फेल है देखो आज की क्लास के बाद तय ये होगा कि चार पांच सवाल जो आएंगे उनको कौन ठीक करने वाला है वो

और वो जो गाना है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाओ वो डांस कर रहा है बंदर दोस्तों। उसके बाद में उन्होंने ये चिप जो है, वो इंप्लीमेंट कर, तो कर, कर दिया है ठीक है आगे देखिए हाल ही में पूछू आपसे टी आर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके हेड में अनिल लोहटी ऑप्शन नंबर डी आंसर है टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ़ इंडिया जो इसके हेड कौन है अनिल लाहौटी ऑप्शन नंबर सेवन आपके अस्सी हो चुके हैं ठीक है रामसर वेटलैंड का मतलब यह है, जो आद्रमु जो वेटलैंड होती है आपके वो आपके वेटलैंड कहलाते हैं ठीक है ठीके? अगर पूछू आपसे रामसर वेटलैंड कितने भारत में अस्सी हो चुके हैं नोट करना अस्सी जो है इंडिया के अंदर रामसर वेटलैंड अभी हाल ही में तीन कहाँ पर आए आपके अंक समुन्द्र आपके एक आए इसके अलावा अग्नाशिनी आया इसके अलावा मगदी के रहा है, ये कर्नाटक के अंदर आए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है आपको अस्सी नाम याद करना है ठीक है आपको अस्सी जो नाम है ये आपको नोट करना है कि भाई अस्सी हमारे पास में वर्तमान में रामसर साइट है हाल ही में झारखंड के नए सीएम दोस्तों अरे याद आपको वंस देर बाद हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम थे ना वन वनडे ईडी गोइंग टू हेमंत सोरेन घर एंड दोस्तों हेमंत सोरेन

ह्यूमन डीएनए बैंक कहां पर स्थापित हुआ है वो बी एच यू के अंदर हुआ है ऑप्शन नंबर एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित हुआ है ठीक है फाइनेंशियल ईयर चौबीस पच्चीस के अंतरिम बजट के अनुसार तेईस चौबीस में इंडिया का जो फिजकल डेफिसिट आपसे पूछे आपसे फिजिकल डेफिसिट जो है कितना रहेगा ये महत्वपूर्ण सवाल है अभी बजट का सवाल है फिजकल डेफिसिट कितना रहा छापना हमारा जो है वो फिजिकल डेफिसिट हमारा जो है वो फाइव पॉइंट कितना फाइव पॉइंट एट परसेंट रहा है ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक है तो फिस्कल डेफिसिट कितना 5.8% ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछूं आपसे देखो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कहां दोस्तों हुए इस बार आपके ये तमिलनाडु के अंदर हुए है ना तमिलनाडु यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं और नंबर सिक्स के हुए कौन से नंबर 6 वाले हुए छापना और पूछूं आपसे फर्स्ट रैंक पे कौन आपके महाराष्ट्र आपके पॉइंट टेबल में फर्स्ट रैंक पर है और पूछूं आपसे इस बार इस बार इसका शुभंकर क्या है वीर मंगाई आपके जो

यूएसए के अंदर होने वाला है इसके लिए आपको तैयार रहना है ठीक है थीके? तो पूछो दोस्तों आपसे यहां पर जो इंडियंस हैं उनका आपसे पूछो आपसे भारतीय जो दल है उसका मशाल वहां कौन बना दोस्तों हाल ही में अभिनव बिंद्रा बने ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आगे देखिएगा हाल ही में तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष कौन पॉइंट हुआ आपके एक बोल में बारह छक्के मारने वाले महानतम खिलाड़ी पूरे विश्व के मंगल ग्रह पर सर्वाधिक छक्के मारने वाले

हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है देखो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो फोर आपके फोर्थ फरवरी को होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है कैंसर वाला चार फरवरी नोट करना ठीक है आगे दोस्तों पूछू आपसे देखो अभी सेवनटीन अप्रैल आने वाला है पूछू आपसे सेवनटीन अप्रैल कौन सा डे छापना आपकी ये डे होता है आपके कौन सा हीमोफीलिया डे जो है वो सेवनटीन अप्रैल को होता है जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। आप जानते हो जिसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं वही आपके जो हीमोफीलिया है जो कि आपके जेनेटिक्स डिजीज होता है है अप्रैल को इसका डे बनाते हैं ठीक आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में जस्टिस रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है फर्स्ट आपके फीमेल आपके कहा की बनी छापना वो बनी है उत्तराखंड ठीक है तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की जो कि नैनीताल

सॉरी उत्तराखंड ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर ठीक है यहां की बनी है ना हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने देश का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम की आधारशिला कहां पर रखी है? हैदराबाद ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है यहां पर रखी है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर ठीक है इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहा दोस्तों आपके जो भारत रंग महोत्सव है कहां पर हुआ है यह गुजरात के अंदर हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है नोट करना ठीक है आगे देखिएगा डब्ल्यू एच

कोड आप जानते हो इसके लिए दोस्तों बिल आपके पेश हुआ था और वो बिल पास हो चुका है एक्ट बन चुका है और बिल पेश करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा है लागू करने वाला अप्लाई करने वाला उसको एक्ट बनाने वाला पहला आपकी स्टेट कौन सा है उत्तराखंड हो चुका है ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये होता है कि जो सिविल मामले जैसे कि आपके तलाक हो गया है डिवोर्स है मैरिज है बच्चा करना हो गया है, इन सब के कानून एक तरह हो हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो जैन हो बौद्ध हो कोई भी हो कोई भी कास्ट कोई भी धर्म के लोग उन सभी के लिए जो है ये एक समान होने चाहिए इसके लिए जो है मैंने कहा आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आया उसको एक्ट बना दिया गया है और उत्तराखंड आपका पहला स्टेट आपके ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर उत्तराखंड ठीक आंसर ठीक है आगे देखिए हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी

इंडिया में आपके आईआईटी बॉम्बे ने पहली बार आई बॉम्बे ने पहली बार सीएआरटी सेल थेरेपी जो है उसको इंडिया को समर्पित कर दिया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी कैंसर आपका ठीक आंसर ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है ना हाल ही में आपसे बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैथलिन नोवोक पूछे आपसे कहां पर राष्ट्रपति थी अब नहीं रही आपके हंगरी के अंदर नहीं रही ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है यहां पर पहले राष्ट्रपति थी ये प्रेसिडेंट थी अब नहीं रही है इन्होंने इस्तीफा दे दिया

पहली बात तो इसको लागू करने वाला कौन आप एक बैंक कौन सा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ये दोस्तों बैंक जो है इस बॉन्ड को प्रदान करती है अगर दोस्तों आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना हो तो कुछ मत कीजिए आप अभी तो ये बॉन्ड बंद हो गया दोस्तों पहले यह था कि आप बॉन्ड खरीद लीजिए सो बॉन्ड आप और वो पैसा कहां पर दे दीजिए मान लो दोस्तों आपने हजार रुपए का बॉन्ड जो है ये दोस्तों ये आप, आ, ये आप आप हो ठीक है और ये आपकी बैंक है मान लो दोस्तों आपने कहां कहा हजार रुपए का बोंद खरीद लिया है और यह बॉन्ड आपके पास पहुंच चुका है ठीक है यह व्यक्ति पार्टी होगी उसके पास जाएगा पहुंच जाएगा और जो पैसा था आपके वो यहां से यहां पर आ जाएगा यह सिस्टम आपके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में था अब दोस्तों इसको बंद कर दिया आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता था इसको छापना अभी दोस्तों आर्टिकल नंबर दिया इसको इलीगल घोषित कर दिया गया है ठीक है

लॉन्च किया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है हाल ही में 58वां पूछूं आपसे फिफ्टी एट नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है आपके जगदगुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है और आपके गुलजार साहब को मिला ऑप्शन नंबर डी आंसर है महत्वपूर्ण सवाल है ध्यान रखना ठीक है ठीके? अभी हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला एक तो आपके राम भद्राचार्य जी को प्राप्त हुआ गुलजार जी को मिला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बोथ ए और बी आपका ठीक आंसर है ना हाल ही में आईपीएल पूछूं आपसे आईपीएल का सवाल आपके

ठीक है ठीक है इसके अलावा पूछूं आपसे अभी दोस्तों आईपीएल चल रहा है आप जानते हो आईपीएल चल रहा है आपके इसमें कुल दस टीमें भाग ले रही हैं आप जानते हो ये भी आपके पांच बार आईपीएल सीस जीत चुका है और पांच बार आईपीएल जो है मुंबई जीत चुका है ये भी आपको पता होगा ठीक है अगर पूछूं आपसे आईपीएल तो जो चल रहा है इसका पहला मैच पूछे आपसे फर्स्ट मैच जो है फर्स्ट मैच किसके बीच में हुआ है फर्स्ट मैच आपके सी एस के वर्षे आर सी बी के बीच पहला मैच हुआ है और कहाँ दोस्तों आपके चेन्नई के अंदर पहला मैच हुआ जैसा कि आप जानते हो सी एस के जीत गया इसको ये पहला मैच आयोजित हुआ ठीक है आई पी एल अगर आपसे पूछे आई पी एल जो है आई पी एल की शुरुआत कब होती है आपके आठ में शुरुआत इसकी होती है ठीक है और राजस्थान रॉयल्स पहली बार जीता था इसको ये भी आपको नोट करना है आई पी एल पूछो आपसे सबसे दोस्तों महंगा खिलाड़ी कौन सा छा अपना आपके सबसे महंगा खिलाड़ी कौन आपके मिशेल इष्टाक जो है

कंपनी का नाम है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ऑडिशस आपको ध्यान रखना है चंडीगढ़ के मेयर पद पर कौन जीता, कौन जीता चंडीगढ़ देखी होगी दोस्तों आपके जो चुनाव अधिकारी जो है आपके जो चुनाव अधिकारी साहब थे वो क्या कर रहे थे आपके वो कैंसिल कर रहे थे बोर्ड को और ऊपर कैमरा लगा हुआ था वहां कैमरे में दोस्तों आपके वो चेक हो गया था वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके जो है वहां पर चंडीगढ़ में जो आम आदमी पार्टी है उसके कुलदीप नायर कुलदीप कुमार जो है इनको बना दिया मेयर भी आपको ध्यान रखना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में आगे देखिएगा अंतरराष्ट्रीय आपसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब बनाते मातृभाषा दिवस कब होता है इक्कीस फरवरी को होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ठीक है

डू के अंदर ठीक है और अट्टुकल पोंगल केरल के अंदर ऑप्शन नंबर बी आंसर ठीक है पोंगल तमिलनाडु के अंदर अट्टुकल पोंगल कहां पर केरल के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया आगे देखिएगा हाल ही में भारत का पहला टैंक सफाई रोबोट आपसे होमोसेफ एटम को दोस्तों डेवलप करने वाला कौन है वो आई मद्रास ऑप्शन नंबर सी सीखोग आंसर आई आई टी मद्रास डेवलप करने वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है दोस्तों पहला आपके आप जानते हो दोस्तों आप मतलब कहने वाली बात तो यह अभी वर्तमान में क्या होता है जो आपकी जो गंदगी

उज्जैन में हुई ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर ठीक है इसके अलावा देखना हाल ही में दोस्तों किशोरियों में नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष लॉन्च करने वाला कौन है मिशन उत्कर्ष पूछे आपसे खून की जो कमी होती है जो एनीमिया रोग है आपके उसको दूर करने के लिए लॉन्च हुआ है और कौन सा मंत्रालय वोमेन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और आपके आयुष मंत्रालय दोनों छापना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोनों के लिए लॉन्च किया गया है ठीक है अभी दोस्तों हाल ही मिशन उत्कर्ष लॉन्च हुआ है कंट्रोल एनीमिया कंट्रोल करने के लिए लॉन्च हुआ है और आपके

सालिम कौन हुए देखो बैलेंडी और अवार्ड कभी पूछे ना आपसे बैलेंडी और अवार्ड छापना सो ये फुटबॉल का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ठीक है और अभी हाल ही में किसको मिला है लियोनल मेसी को मिला ऑप्शन नंबर सी आपके अर्जेंटीना के रहने वाले ये भी आपको ध्यान रखना है ना मेसी साहब को ये अवार्ड मिला ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक है पूछो दो से सचिन साहब की प्रतिमा दोस्तों स्टेच्यू जो अभी हाल ही में कहाँ पर है? अगर आपको याद हो आईसीसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था भारत वर्ष न्यूजीलैंड मैच था जहां पर विराट कोहली तो जहां पर विराट कोहली ने अपना आईसीसी का पचासवा सेंचुरी लगाई थी याद कीजिएगा वही दोस्तों जो वानखेड़े स्टेडियम आपके मुंबई के अंदर वहीं पर आपके सचिन साहब के स्टेच्यू का शुभारंभ हुआ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हाल ही में पहला ए सेफ्टी समिट पूछूँ आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब दोस्तों मशीन मानव की तरह व्यवहार करने लग जाए आपके तो मशीन आप जब मानव आपकी ह्यूमन की तरह दिमाग की तरह काम करे तो उसको ए कहते हैं ठीक है ठीके? और ए आपके हमारे लिए जरूरी है दोस्तों उसके साथ में खतरनाक भी हमारे लिए होने वाला है तो एआई पर सेफ्टी समिट अभी हाल ही में इंग्लैंड के अंदर ब्लेचले स्थान पर होती है जिसको ब्लेचले डिक्लेरेशन बोलते हैं ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया ना हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड क्या है प्रचंड पूछू आपसे प्रचंड दोस्तों आपके लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर एल सी एच है ना ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है प्रचंड आपका हेलीकॉप्टर है ना हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी स्टार लगाओ इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है एंजेलो मैथ्यू दोस्तों याद कीजिए आपके वर्ल्ड कप का दोस्तों वर्ल्ड कप मैच था आपके बांग्लादेश वैसे श्रीलंका मैच था याद कीजिएगा और वहां दोस्तों आपके जो बांग्लादेश कप्तान थे आपके एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका खिलाड़ी थे ये पिच पर आने में थोड़ा लेट हो गए थे

याद कर सो, मरहम आपका याद कीजिएगा आपके जख्मों पर मरहम लगा रहा हूं मैं आपके सामने, पहली बात तो वर्ल्ड कप कहा हुआ, हुआ मोदी का आयोजन हुआ ना किसके बीच में होता है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जो है इसके बीच में आपका मैच होता है ठीक है जीतने वाला कौन आपके जीतने वाला यह था और छठी बार वर्ल्ड कप जीता है भारत आपके हारने वाला है रोहित शर्मा अपने कप्तान

बहत्तरवीं मिस यूनिवर्स जो है वो सैनिस पलासियोस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है सैनिस पलासियोस आपके वर्ल्ड के अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स अपॉइंट हुई है ऑप्शन नंबर सी हाँ दोस्तों पूछूं आपसे कौन थे आपके अरे याद करो हाँ पूछे आपसे हेड है ना हेड जो है आपके वो उसमें जो हेड थे आपके उसमें आ, ट्रेविस हैड साहब जो है ट्रेविस हैड जो थे जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ट्रेविस हैड ये मैन ऑफ द मैच थे उसके अंदर ठीक है आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके मेवेला वैक्सीन लॉन्च दोस्तों ये भी हाल ही में देखो

1994 में बनती है बोन में इसका मुख्यालय ठीक है इसका जो तो मेंबर जो कंट्री है उनका एक सम्मेलन होता है हर साल आपके कॉन्फ्रेंस होती है मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं ठीक है ठीके? अभी ये हाल ही में कहां पर हुई यूएई के अंदर हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर हुई है और इससे पहले वाली कहां पर हुई आपके इससे पहले वाली जो है कहां पर होती है वो हुई थी आपके सर्म अल तो है वहां पर सत्ताईस होता है हम ही हम अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा चर्चा में रही दोस्तों निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग छापना सिलक्यारा टनल ये नोट करो आपको आपको याद है दिवाली वाले दिन की बात है तो हमारे जो फोर्टी वन दोस्तों आपके जो मजदूर भाई थे आपके जो हमारे लेबर थे वो फंस गए थे कहाँ पर एक टनल में फंस गए थे उत्तराखंड के अंदर उत्तर काशी स्थान था वहां पर आपके और कुछ दिन लंब दस पाँच दिन पंद्रह दिन वो आपके वहीं पर रहे थे उसके अंदर याद कीजिएगा और वो टनल कौन सी है? आपके वो टनल छापना उत्तराखंड के अंदर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है यहां पर सिलकारा सुरंग है नोट करना महत्वपूर्ण सवाल है उत्तराखंड ठीक आंसर है ना आगे देखिए वर्ल्ड एड्स डे की बात करूं कहां पर छापना सुनो वर्ल्ड जो एड्स डे कहाँ कब होता है एक दिसंबर नोट करना आपके वर्ल्ड एड्स डे जो है वो एक तारीख को होता है ठीक है आप जानती हो और एड्स का वायरस कौन सा आपके जो रेट्रो वायरस कौन सा है वो एच है और अलीसा टेस्ट पूछू आपसे और वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट इसके टेस्ट होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है एक दिसंबर करेक्ट आंसर हो गया ना आगे देखिएगा पांचवा पांचवा ग्लोबल आयुर्वेद आयुर्वेद फेस्टिवल फेस्टिवल पर हुआ अभी हाली अभी हाल हाल ही ही में में पांचवा ग्लोबल जो केरल के अंदर हुआ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ठीक है आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल हॉर्नमिल फेस्टिवल अभी मैंने शुरुआत की थी बताया था मैंने आपको हॉर्नमिल फेस्टिवल इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं नागालैंड के अंदर हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखिएगा

ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला इनको ठीक है ऑप्शन नंबर सी वैशाली रमेश बाबू एट्टी नंबर के ग्रैंड मास्टर है ध्यान रखना ठीक है हाल ही में पूछो आपसे खादी माटी खादी मार्टिकला फेस्टिवल कहां पर हुआ है गोवा के अंदर हुआ ऑप्शन नंबर सी आंसर है खादी मार्टिकला फेस्टिवल इसका नाम है कहा गोवा के अंदर हुआ है ऑप्शन नंबर जो है और सॉरी गुजरात के अंदर है ना गोवा में नहीं हुआ आपके गुजरात के अंदर हुआ ऑप्शन नंबर डी आंसर ठीक है गुजरात ठीक आंसर है यहां पर खादी मार्टिकला फेस्टिवल आयोजित हुआ

आगे देखेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आपके फीमेल चिकित्सा अधिकारी कौन बनी छापना देखो तो सियाचिन लद्दाख के अंदर ठीक है वहां तैनात होने वाली आपके फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर कौन है आपके वो है कौन छापना कौल ऑप्शन नंबर आंसर है करेक्ट आंसर ठीक है और पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन आपके कैप्टन शिवा चौहान ये भी आपको नाम ध्यान रखना है ठीक है पहली आपके फीमेल मेडिकल ऑफिसर गीतिका कौल है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर ठीक है हाल ही में कैश फॉर क्योरी आरोप ये भी आपको याद होगा दोस्तों याद कीजिएगा आपके लोकसभा में एक आपके फीमेल हमारी एमपी थी जिनका नाम था महुआ मोहित्रा जिनका जो है, इसमें इनको कर दिया, से, मतलब सवाल पूछे क्वेश्चन पूछे लोकसभा के अंदर जो आपके पार्लियामेंट वहां पर वो सवाल आपके पैसे लेकर पूछे इनके ऊपर ये आरोप है ठीक है कैश लेकर सवाल पूछे थे क्वेरी पूछी थी इस आरोप में सस्पेंड किया इनको

ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है वो वन विलियन डॉलर हो जाए तो यूनिकॉन को आपके दस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो बनता है छापना और पूछू आपसे हाल ही में कौन बना है जो आईपीएल बन चुका है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में पूछे आपसे लोसर फेस्टिवल कहा होता है छापना लोसर फेस्टिवल लद्दाख में होता है और जो लोसांग फेस्टिवल आपके वो सिक्किम में होता है महत्वपूर्ण सवाल है लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में होता है ऑप्शन नंबर -सी -सी सेवन को रिटायर्ड कर दिया मैंने याद कीजिए मैंने कहा था एम एस धोनी साहब की जर्सी है जर्सी नंबर टेन किसकी थी आपके सचिन साहब की थी जर्सी नंबर सेवन किसकी है हाल ही में वर्ल्ड का सबसे

आईपीएल पी एल ऑप्शन दोस्तों पूछू आपसे वहां पर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बना है वो मिशेल स्टाक बने ऑप्शन नंबर डी और इनकी जो कीमत है आपके ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव करोड़ है और के आर टीम ने खरीदा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखिएगा खेलो इंडिया गेम्स तेईस कहां पर हुआ आपके तमिलनाडु ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है यहां पर इनका आयोजन हुआ है ना आगे देखना मेजर ध्यानचंद महत्वपूर्ण सवाल है छापना मेजर ध्यानचंद खेल रतन अवार्ड मतलब खेल का स्पोर्ट्स का इंडिया में सबसे जो आपके हाइस्ट अवार्ड कौन सा वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड पहले दोस्तों इसका नाम राजीव गांधी अवार्ड था अब नाम चेंज हो चुका है और पूछू आपसे इसके लिए पच्चीस लाख रुपए जो है इसकी इनामी राशि ये भी आपको छाप में अभी हाल ही में चिराग और सात्विक साईराज जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं इन दोनों को अभी हाल ही में अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मोहम्मद समी को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला है मैंने पहले भी कहा था ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखिए आइसलैंड का जो हुसाविक आपके म्यूजियम है उसने दोस्तों अभी हाल ही में लीफ अरिक्षन, लूनर अवॉर्ड अपना इसरो को दिया है चंद्रयान थर्ड के लिए दिया ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखिए चंद्रयान थर्ड की अगर बात करूं मैं आपसे ये नोट कर लो अगर ये भी सवाल नहीं आया तो फिर क्या आएगा दोस्तों एग्जाम में ये तो पक्का पक्का आने वाला है छपेगा आपके एग्जाम में पहली बात तो इसको लॉन्च कब किया इसको लॉन्च हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया था दो में ठीक है लॉन्च किससे किया हमने इसको एल वी एम थर्ड एम फोर रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया ठीक है अगर पूछूं आपसे इसे बाहुबली रॉकेट बोलते हैं ना अगर पूछे आपसे पहुंचा कब आपके तेईस अगस्त को पहुंच गया ठीक है जिस तारीख को पहुंचा उस तारीख को चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बनता है इसके द्वारा ठीक है जिस तारीख को पहुंचा उस तारीख को हम जो है ने नेशनल स्पेस डे बनाते हैं क्या बनाते हैं नेशनल स्पेस डे बनाते हैं और मैंने आपसे कहा जिस पॉइंट पर पहुंचा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं शक्ति शक्ति पॉइंट 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 क्या बोलते हैं हैं उस उस को को हम लोग जो है कहते ये भी आपको नोट करना है ठीक है और अगर पूछू आपसे इसमें लैंडर कौन सा छापना वो कौन सा आपके वो है विक्रम कौन सा विक्रम लैंडर था इसमें और उसमें रोवर कौन सा छापना रोवर कौन सा आपके प्रज्ञान रोवर है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है इसरो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया ना अगर

प्राप्त हुआ है और मुझे पहचानों के लिए अवार्ड मिला है ठीक है आगे देखिएगा हाल ही में डब्ल्यू एच ओ ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है जो वेरियंट तेजी से फैल रहा हो पर अभी इतनी परेशानी नहीं कर रहा उसको बोलते हैं वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है variant of interest, एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब कि वो परेशानी करने वाला है ठीक है तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा हो चुका है वो जे एन वन हो चुका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है केरल के अंदर पहली बार पाया गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर तो जे एन वन जो कोरोना वायरस है उसका एक नया वेरियंट है वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट है ठीक है आगे देखिएगा सेवनटी फाइव पूछू आपसे रिपब्लिक डे चौबीस पूछा आपसे इसमें चीफ गेस्ट कौन थे आपके अभी हाल ही में इमोन मैक्रोन ऑप्शन नंबर बी आंसर मैंने अभी पढ़ा है आपको ये चीफ गेस्ट है ना बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन, कौन बनी है हाल ही में फर्स्ट इंडियन आपके दीपिका पादू कौन बनी है रणवीर सिंह वाली है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है हाँ 25 जो है हमारा 25 जो है एक बच्चा लिख रहा है टीबी मुक्त भारत सो so, ये वाला टीबी मुक्त नहीं होगा भारत है ना पच्चीस तक ये वाला मुक्त नहीं होगा बेटा ना एक बच्चा लिख रहा है पच्चीस तक टीवी फ्री भारत होने वाला रसगुल्ला अगर दोस्तों ये वाला फ्री हो गया ना तो तुम अगला आईपीएल कहा देखोगे रसगुल्ला बताओ अगला आईपीएल आई देखोगे दोस्तों ना देखोगे वाला टीवी फ्री होने वाला ठीक है ये वाला टीवी फ्री होगा ये वाला नहीं हो पाएगा ना आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपके सामने विश्व भारती यूनिवर्सिटी ठीक है जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता के अंदर है और इसको स्थापना करने वाले रविन्द्र टैगोर जी स्थापना करने वाले है ना

सी आई एस एफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला हेड कौन है आपके आई पी एस नीना सिंह ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए दोस्तों आपके हेल्थ इमरजेंसी कहाँ पर लगी आपके डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए अभी दोस्तों हाल ही में हेल्थ इमरजेंसी लगती है पेरू के अंदर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है पेरू एक देश है वहां पर लगती है ऑप्शन नंबर एक आंसर ठीक है भारत की इंडिया की जन औषधि पहल पूछना

और ये कहां पर मिजोरम के अंदर होता है इसे कूट फेस्टिवल, तो फेस्टिवल मिजोरम में होता है, इसको आपके फेस्टिवल भी बोलते है तो राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी उनके दोस्तों नाम पर एक प्रजाति रखी गई जिसका नाम क्या है जिसका नाम है मेलोनो किसकी प्रजाति समुद्री सिलक जो होता है ऑप्शन नंबर बी

इसने खुद का अपना एक गवर्नमेंट आपके फर्स्ट इंडियन आपके लॉन्च किया है जिसका नाम सी स्पेस है ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मैंने कहा अभी दोस्तों आपसे जो नॉर्थ अटलांटिक और, और इस नाटो जो है आपके नाटो का नवीन लेटेस्ट मेंबर कौन सा फिल, आपके चुडन जो है ऑप्शन नंबर आंसर।, आंसर है सांसद खेल महाकुंभ ठीक है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे अवसर पूछे आपसे राज्यसभा में राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट होने वाली महिला कौन है वुमेन कौन है सुधा मूर्ति ऑप्शन नंबर दो से एक आंसर है जो आपके इन

देखो मिस वर्ल्ड 24 कौन है ये अभी हाल ही में क्रिस्टीना पिस्कोवा ऑप्शन नंबर एक छापना मिस वर्ल्ड 24 जो है अभी हाल ही में अपॉइंट हुए ठीक है आगे देखिएगा अगर अभी दोस्तों हाल ही में फूकन दोस्तों आपके ये जो आर्मी थी आपके अहोम साम्राज्य जो आर्मी थी जिसको असम कहते हैं आप वहां के सेनापति थे और स्टैचू ऑफ वेल्लोर अभी हाल ही में स्थापित हुई है असम के अंदर हुई है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है स्टैचू ऑफ वेल्लोर यहां पर स्थापित हुई है ना हाल ही में महाशिवरात्रि जो होती है आपके उस पर्व को जम्मू कश्मीर में हैरात फेस्टिवल बोलते हैं ठीक है वहां पर शुभारंभ पर शुरू हुई है यहां पर शुरू हुई है ऑप्शन नंबर आंसर ठीक है तीनों सेनाओं का पूछू आपसे जो आर्मी एयरफोर्स ने भी आपके इनका दोस्तों एक अभ्यास हुआ है ही में एक आपके जिसका नाम भारत शक्ति उसका नाम है ये राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण जो स्थान है यहां पर हुई है तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर पीएम साहब ने खुद अभी हाल ही में इसमें भाग लिया है ठीक है हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा महत्वपूर्ण सवाल छाप लो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको सीए कहते हैं हम दो उन्नीस का भी सवाल पूछू आपसे सी जो है पहली बात आपकी एक्ट कौन सा आपके जो जो सबसे पहले एक्ट था वो कौन सा था, था आपके वन नाइन फाइव फाइव का एक्ट था अपना और इसमें अमेंडमेंट हुआ है तीन देश के जो माइनॉरिटी शामिल हुए हैं इसके अंदर जिनका बाप भारत है बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान इन तीनों का बाप भारत है तो इन तीनों देश की जो माइनॉरिटीज है ना आप सोचो ये तीनों देश आपके आ, मुस्लिम कंट्रीज जा आप जानते हो तो मुस्लिम के अलावा जो और होंगे वहां पर वो सारे माइनॉरिटीज होने वाले जैसे भारत में आपके हिंदू के अलावा जो कुछ भी सारे माइनॉरिटीज है ना ऐसे तो मुस्लिम जो आपकी जो मुस्लिम कंट्री होंगे वहां पर मुस्लिम के अलावा जो होंगे वो सारे माइनॉरिटीज होने वाले हिंदू पारसी ईसाई जैन सिख उन सबको भारत की सिटीजनशिप मिलने वाली है अगर वो चाहते हैं तो और इसके लिए आपकी ये एक्ट अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है सी तो अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ना आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नाइनटी सिक्स ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है ओपन हाइमर्स पूछे आपसे जो एटम बम था उस एटम बम

भी करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखिए डीआरडीओ ने दोस्तों एम महत्वपूर्ण सवाल है अभी दोस्तों में डीआरडीओ ने आपके एम टेक्नोलॉजी जो है इस पर आपके जो सफल परीक्षण किया था अपना जिसको मिशन दिव्यास बोला ठीक है जिसको मिशन दिव्यास्त्र कहा गया था याद कीजिए आपकी याद कीजिएगा ये कहा गया था इसको और जो अग्नि अग्निफाइव मिसाइल है उसमें यूज हुआ है देखो एम आई आर वी का मतलब क्या है एक ही मिसाइल से एक ही बार में मल्टीपल टारगेट को हिट कर पाएंगे वो होता है एम आई आर वी तकनीक है। एक मिसाइल अग्नि अग्निफाइव नाम है उससे मल्टीपल टारगेट हिट कर सकते हैं उसको बोलते हैं एम आई आर वी तकनीक है। इसको मिशन दिव्यास्त्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ठीक है आगे बढ़िएगा नेक्स्ट सवाल नायब सिंह सैनी दोस्तों अभी

ऑप्शन नंबर यहां पर इंडिया का फर्स्ट फ्यूचर लैब शुरू हुआ है, इसके बाद एक, पूछे का जो इंडेक्स है, एक इंडेक्स याद करना हो तो ये वाला करना ठीक है एक इंडेक्स याद कर लो एच इंडेक्स में रैंक वन अगर इंडेक्स आया पेपर में तो यही पूछने वाला वन थर्टी फोर रैंक वाला ठीक है आगे देखिए हाल ही में चर्चा में रहा वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा ही प्यारा सवाल एग्जाम के लिए पूछने की पूरी संभावना है वन नेशन वन इलेक्शन जो आपके उसके लिए अभी हाल ही में कमेटी बनती कमेटी का नाम किसके नाम पर है भारत के जो एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी उनके उनकी मेंबर्स उनकी आपके जो हेड है उसमें आपके वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बनती है और सो अभी हाल ही में अठारह हजार पेज की रिपोर्ट दी है और इन्होंने कहा है कि जो उनतीस जो आने वाला है आपके तब से आपके ये लागू होना चाहिए ऐसा इन्होंने कहा है तो रामनाथ कोविंद ऑप्शन नंबर भी ध्यान रखना ठीक है प्रधानमंत्री मोदी ने आपके वंचित जो वर्ग हैं आपके उनके लिए आपके अभी हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम क्या है पीएम सूरज पोर्टल ऑप्शन नंबर सी लॉन्च किया है अभी हाल ही में अभी दोस्तों लॉन्च हुआ है जो डेप्राइव सेक्शन जो है हमारे उनके लिए लॉन्च किया गया है ठीक है आगे बढ़िए अगर बढ़िएगा सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी पूछो आपसे इजराइल वॉर डायरी अभी हाल ही में लॉन्च हुई है विशाल पांडे की बुक है ऑप्शन नंबर भी ध्यान रखना ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जारी रिपोर्ट के अनुसार उन्नीस उन्न से चौबीस के बीच में सो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उससे सर्वाधिक डोनेशन पाने वाला आपके पार्टी कौन सी पार्टी आपके बन चुकी बीजेपी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मैंने कहा था ना इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उससे सर्वाधिक आपका डोनेशन किसको मिले बीजेपी को मिली है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी आप जानते हो आपके जीतने वाला कौन मुंबई जीतने वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है रणजी ट्रॉफी मुंबई जीत गया है ना हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह ने एन जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए बनाई गई दो के अंदर आपकी बनाई गई थी उसके लिए भी हाल ही में एक ऐप लॉन्च हुआ उस ऐप का नाम क्या है संकलन ऐप ऑप्शन नंबर बी लॉन्च हुआ है ठीक है दस मिनट और रुकी ना फूल फेस्टिवल कहां पर होता है सो फूल फेस्टिवल उत्तराखंड में होता है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट

किसे दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल आइकन अपॉइंट किया है शीतल देवी ऑप्शन नंबर सी छापना इनको अभी हाल ही में आइकन अपॉइंट किया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आप पी डी मतलब जो आपके हैंडी है ना जो फिजिकल आपके डिसएबल्ड है उनके लिए लॉन्च किया है और इनका खेल कौन सा खेल पूछूं आपसे इनका पैरा आर्चरी खेल है छापना

किस बैंक ने एग्रीमेंट किया आपके यस बैंक ने किया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ठीक है थीके? आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौबीस का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है पहला क्रूटीम हो गया मैंने कहा था आपके सेकेंड कौन सा है परफ्यू सेकंड ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर पहला क्रुटीन था अभी मैंने आपसे कहा था ना आईपीएल 24 का पहला मैच कहाँ हुआ है चेन्नई के अंदर सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में हुआ है और जीतने वाला आपके सीएसके सीएसके के सी एस के कप्तान को छापना ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है धोनी कप्तान नहीं है ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना हाल ही में भूटान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छापना एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भूटान का हाइस्ट अवार्ड जो है वहां का अभी हाल ही में हमारे

उसका एस्ट्रॉयड जो है उसका नाम जो है जयंत मूर्जी के नाम पर रखा है ऑप्शन नंबर सी आंसर है एस्ट्रॉइड जो किसके बीच में आपके मार्स और जुपिटर जो, जो होता है उसके बीच में जो बेल्ट होती है उसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया आगे देखिएगा हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों दो हैंडी कैप है जो दिव्यांग जो विकलांग है उनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है सक्षम ऐप लॉन्च किया ऑप्शन नंबर डी आंसर ठीक है इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है हाल ही में बारह हजार रन बनाने वाले अचीवमेंट हासिल करने वाले फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन है आपके वो है विराट कोहली ऑप्शन नंबर सी आंसर है और तो दोस्तों दोस्तों पूछूं आपसे आपसे अभी हाल ही में बताओ आईपीएल आईपीएल का 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 पूछे हाईएस्ट आपके आपके जो रन रिकॉर्ड है वो किसके नाम हो चुका है छापना हैदराबाद के नाम हो चुका है हो चुका, ये भी आपको छापना है और मुंबई के खिलाफ बनाया ये भी आपको नोट करना है ठीक है अभी हाल ही में बनाया है ना तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हाल ही में डोल जात्रा फेस्टिवल कहां पर हुआ आपके सो ये आपके छापना कहां पर हुआ है डोल जात्रा पश्चिम ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है यहां पर आयोजित हुआ ठीक है हाल ही में चर्चा पी में पीओईएम थर्ड पूछूंगा आपसे देखो जिसमें मैंने एक्सपो पढ़ाया था ना आपको उसी के साथ में पी ओईम थर्ड भी लॉन्च हुआ था आपके और इसरो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1969 सिक्सटी छापना और सोमनाथ जो है इसके वर्तमान में क्या है आपके हेड चीफ है और इनकी आपके एक बुक है जिसका नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली ठीक है वैसे बुक आपके तमिल लैंग्वेज के अंदर पर उसका हिंदी ट्रांसलेट जो है वो शेर जिसने चांदनी पी ली है ना हाल ही में दो प्राचीन स्टार स्टीम शिव और शक्ति पूछू आपसे इसकी दोस्तों खोज करने वाले कौन आपके शिव शक्ति की खोज करने वाला गया आपके जो टेलीस्कोप ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आपका आंसर हो गया ठीक है का राष्ट्रपति पूछे आपसे कोई काम का नहीं दोस्तों काम का नहीं है पता नहीं कैसे आगे सवाल हमारे सामने ये भी हमारे काम का नहीं क्या है क्या करा इन्होंने हाँ ये ये काम का है हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज पूछूं आपसे सो इसके ढहने की खबर कहां पर आपके सो अभी कुछ दिनों पहले की खबर है याद कीजिए आपके एक यूएसए के अंदर जगह मेरीलैंड नाम की जगह है वहां दोस्तों आपके एक जहाज था शिफ्ट था फ्रांसिस स्कॉट उसका नाम सो वो जो आपके ब्रिज होता जो पुल होता उसे टकरा गया था याद कीजिएगा और दो तीन दिन वहां पर इमरजेंसी लगाई गई आपके ऑप्शन नंबर ए साहब ना यूएसए मेरीलैंड ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर ठीक है यहाँ का था ना आगे देखिए का नेक्स्ट सवाल आपके सामने खत्म चलो तो ये हमारे साढ़े चार सौ सवाल आपके पूरे हो चुके हैं ना मतलब चार सौ पैंतालीस पेज थे दो से मल्टीप्लाई भाग कर लीजिएगा इतने क्वेश्चन मैंने कराए आपको जिनका भी एग्जाम नोट सेट का होने वाला या फिर कोई और एग्जाम हो पिछले छः माह का रिवीजन करवा दिया मैंने आपको और नर्सिंग चैनल पे करवाया है मैंने रिवीजन को पहले मैं मेन चैनल पे आने वाला था फिर मैंने कहा नर्सिंग पे चलते हैं वरना देखो नर्सिंग पे क्लास क्यों ली है? उसका कारण ये है कि नर्सिंग का पेपर होने वाला 14 तारीख को है ना अगर मैं मेन चैनल पे क्लास लेता तो आप बोलते गुरुजी नहीं नर्सिंग के लिए अलग से पढ़ाओ तो नर्सिंग के लिए मैंने पढ़ा दिया इससे बाहर नर्सिंग का सवाल नहीं जाएगा ये आप तय मानना ठीक है बाकी जो और बच्चे कहीं और के भी आए हुए हैं यहाँ पर उनको भी सूचना ये है कि आपके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है मुझे टाइम लगा है दो घंटे लग चुके हैं मुझे पढ़ाने में आपको दो घंटे मैंने आपको पिछला छः माह रिवाइज़ करवा देखो मैं डेली पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स तो आप सोचिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा और ये छः महीने का करंट अफेयर्स पढ़ाया है मैंने आपको मतलब मैंने एक घंटे का जो करंट अफेयर्स है वो दो घंटे में पढ़ा है ठीक है तो सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मेरे अंदर तो बहुत कुछ है बताने के लिए पर आपके पास समय नहीं है इतना सुनने के लिए है ना और ना ही होना चाहिए पेपर सिर पर पे है आपके रैपिड फायर होना चाहिए तो रैपिड फायर मैंने करा दिया आपको जहां सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में भाई स्पोर्ट्स का सवाल बनता है आ, जो नाम चेंज हुए हैं वो सवाल बनते हैं इसके अलावा कोई और महत्वपूर्ण घटना है वो बनती है आ, जो अवार्ड्स बनते हैं या फिर आपके जो फेस्टिवल होते हैं वो बनते हैं तो मैंने वो आपको पढ़ा दी यहाँ पर और नर्सिंग वालों का बहुत बहुत आभार इतनी देर सुनने के लिए अपने कानों से मुझे बाकी कभी मौका मिलेगा तो आपको आराम से समझाएंगे सारी बातों को पर अभी समय कम है समय की गरिमा है आपके पास भी कम समय मेरे पास भी समय कम है ना फिर भी मैंने अपना अमूल्य समय में से निकाल के आपके बीच में आया था कि ठीक है कोई बात नहीं आपको अच्छा लगेगा आकर के और उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि जो सवाल आएंगे उसमें आप महसूस करोगे कि यार दो घंटे में कुमार में जो पढ़ाया था उसमें सवाल आपके एग्जाम में आ गया पिछले छः माह का इससे बाहर नहीं जाएगा मेरा वादा आपसे रहा बस इसको एक दो बार और पढ़ लेना आप लोग बाकी ऑल दी बेस्ट अगर आप नर्सिंग के चैनल के नहीं हैं तो कुछ मत कीजिएगा एक काम कीजिएगा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बता देना कि आप नर्सिंग के बाहर के हो और आप नर्सिंग के चैनल को थैंक यू बोलना क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम दिया ना उन्होंने मुझे टाइम दिया यहाँ पर आने के लिए इस यहाँ पर क्लास लेने के लिए टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद कभी दोबारा मुलाकात होगी तो फिर आपसे मिलूंगा बाकी तो अपना ध्यान रखना आप लोग यशो भूमि के बारे में बता दीजिए पी ट्वेंटी जो बैठक हुई है आपके जो पार्लियामेंट ट्वेंटी जो हुई है वो यशो भूमि के अंदर हुई है ठीक है ये भी कहाँ पर सो ये भी कहाँ पर है ये भी आपके जो है वो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार आपके भारत मंडपम होता है उसी प्रकार जी ट्वेंटी हुआ भारत मंडपम के अंदर है ना तेईस वाला चौबीस वाला कहाँ होगा चौबीस वाला ब्राजील के अंदर होगा ठीक है यहाँ पर होगा चौबीस वाला है ना उसी प्रकार पार्लियामेंट ट्वेंटी यशो भूमि के अंदर दिल्ली के अंदर हुई है ठीक है चलिएगा और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिससे वो लोग मुझे बोलें कि सर कोई बात नहीं आपने क्लास ली पर आपके कारण दो चार हजार सब्सक्राइबर बढ़ गए है ना उनको लगे जिससे आप लोग कभी और टाइम हो तो आप और जो है आपके बीच में दोबारा आ सके ठीक है अंत में आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक लाइन दो लाइन आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा ऑल द बेस्ट ढंग से पेपर देकर आना और विश्वास रखना अपने ऊपर हमारी टीम ने खूब पढ़ाया है नॉर्थ सेट वालों को चिंता मत करना उत्कर्ष पर भरोसा रखना हमारी टीम जमकर मेहनत करती है आपके लिए आगे भी मेहनत करती रहेगी मेरा वादा रहा आपसे सुबह छः बजे मिलूँगा सुबह से क्लास लेने में लगा हुआ हूँ अब छुट्टी मिली है क्लास से वापस से काम करूँगा कल वाली क्लास का फिर सुबह छः बजे आपसे यूट्यूब के ऊपर मुलाकात होने वाली ऑल दी बेस्ट जय हिंद थैंक यू